तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो में लेकर के आया हूँ, ये हमारे पास जैसे 857 DW हॉटगन आती है और जितने भी सारे जो रिपेयरिंग करने वाले टेक्नीशियन हैं, जो अगर मोबाइल फ़ोन के अंदर आईसी लेवल का काम करना चाहते हैं या ऐसे हैं जो बर्न फ्री पार्ट्स को निकालना चाहते हैं, जैसे प्लास्टिक का पार्ट इसके माध्यम से नहीं जलता और अच्छे से आसानी के साथ में हम लोग चेंज कर पाते हैं। अच्छा, इसका प्रेशर, एयर टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें इतनी बेहतर होती हैं कि आप मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी भी पार्ट्स को जब आप निकालते हैं या उसको चेंज करते हैं तो बड़े आसानी के साथ में हो जाता है। अगर देखा जाए इसके रिव्यू की बात करें तो बाकी और मशीनों की अपेक्षा जो बाकी मार्केट में इसकी संबंधित बहुत सारी मशीनें जो मार्केट में आज यूज हो रही हैं, लेकिन आज ज़्यादा से ज़्यादा जो बेहतर टेक्नीशियन होते हैं वो इस मशीन का यूज़ करना पसंद करते हैं। मेरे पास भी क्लास में इस तरीके से मशीनें लगी हुई हैं जो बच्चे इनके माध्यम से मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करते हैं। तो चलिए, आज इस मशीन के अंदर हमारा जो एलिमेंट आता है, ये एलिमेंट ख़राब हो जाता है, इसको कैसे रिपेयर करेंगे, ओरिजिनल एलिमेंट की पहचान क्या होती है, किस तरीके से एलिमेंट को पहचानेंगे, कैसे एलिमेंट को चेक करेंगे और कैसे मशीन के अंदर डाला जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं अपने स्टूडेंट को ये बताने वाला हूँ कि अगर 857 DW मशीन आती है, 857 DW प्लस मशीन आती है, इस मशीन का अगर एलिमेंट ख़राब हो जाता है तो एलिमेंट को आप कैसे चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, ये मशीन है और इस मशीन का अगर आप देखेंगे तो ये इसका हैंडल है और ये इसका प्लग दिया हुआ है, ये पावर कोड होता है, इस पावर कोड को हम लोग लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग एलिमेंट के ऊपर चलते हैं अपने। ये हैंडल के अंदर अगर आप तार देखेंगे तो देखिए सर, सभी बच्चों को पास में दिखाइए, इसके अंदर से जो एयर आती है वो नॉर्मल सी एयर आती है। ये आपके जो दो तार दिए होते हैं, ये सेंसर के तार दिए होते हैं, एक सेंसर आपका ये लगा हुआ है, ये आपका इसका ग्राउंड का दिया हुआ है जो अर्थिंग में लगाने के लिए दिया हुआ है। देखिए, ये इसका एलिमेंट है, ये ओरिजिनल एलिमेंट है, अगर आप लेने जाएंगे तो 450 रुपये का एलिमेंट आता है और जिसको आज हम लोग चेंज करने वाले हैं। ये मैं चेंज करने का वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि जो ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, अगर उनका एलिमेंट 857 DW प्लस का अगर एलिमेंट ख़राब हो जाता है तो वो लोग क्या करेंगे, उसको चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, और अगर ख़राब हो जाता है तो मार्केट में पूरा हैंडल खरीद लेते हैं या रिपेयर कराने जाते हैं तो उनसे इस मशीन को रिपेयर के नाम पे 500, 800, 1000 रुपये ले लेते हैं। देखिए, ये इसका एलिमेंट आता है, ये इसके अंदर वायर्स होते हैं, एलिमेंट की टेस्टिंग होती है। जब आप एलिमेंट को चेक करेंगे, इसके ये दोनों हीटर के वायर होते हैं, मल्टीमीटर को बी पॉइंट पर सेट करेंगे, बी पॉइंट पर सेट करने के बाद दोनों वायरों पर आप ऐसे इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वैल्यू शो होगी। देखिए, यहाँ पर 80, 90, 100 के बीच में ऐसे वैल्यू शो हो रही है। अगर ये वैल्यू शो हो रही है तो वैल्यू शो होने का मतलब क्या है कि आपका एलिमेंट ओके है। अगर एलिमेंट ख़राब होगा तो यहाँ पर वैल्यू नहीं आएगी, ये हमारा वायर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये नाइक्रोम का वायर होता है, जैसे आपको इसमें हीटिंग वोल्टेज जाते हैं तो ये गर्म होने लगता है। और इसके अंदर ये देखिए सेंसर भी लगा हुआ है। चलिए, हम इसको मशीन में लगाते कैसे हैं, ये तो मैंने टेस्ट करने का तरीका बताया। इस मशीन में लगाने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, आप इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। देखिए, आसानी के साथ हम लोग वायर को कनेक्ट कर पाते हैं। ये आपका लग गया। लगने के बाद इसमें दो तार होते हैं, एक एलिमेंट का तार, ये सेंसर के वायर को हम लोग इसमें ऐसे लगा देते हैं। सेंसर के बाद ये सेंसर का दूसरा वायर होता है, इसको हम लगा देते हैं। इसको लगा देने के बाद इस सेंसर को जहाँ पर फिट होता है अपने स्पेस पर, इसको ऐसे इस तरीके से फिट कर देते हैं। फिट करने के बाद ये इसमें दूसरा तार होता है जिसको हमको ग्राउंड पर लगाना होता है, और ग्राउंड पर लगाने के बाद इसको अंदर डाल देते हैं एलिमेंट। इसके बाद हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोगों को इसका ग्राउंड का जो तार है इसको भी कनेक्ट कर लेना है, ये जो अर्थिंग के लिए यूज होता है। ये देखिए, इस वायर को भी आप लोग इसमें ऐसे कनेक्ट कर देंगे। ऑप्शन दिया है ना, तो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें लगाने का दिया हुआ है। इसको लगा देंगे, इसको लगा देने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से अंदर इंसर्ट कर देंगे। यह हमारा वायर प्रॉपर तरीके से लग गया है,
लगने के बाद फिर ये हैंडल का एलिमेंट होता है, इसको हम लोग लगा देंगे। और अगर आपके पास डॉक्टर टेप होता है तो आप टेप को अच्छे से लगा देंगे इसमें से। सर टेप रखा हुआ है कोई? इसके बाद इस वायर को हम लोग क्या करेंगे, इसको टेप के माध्यम से आप इसको बाइंड कर देते हैं ताकि ये ढीला ना पड़े। अब इसको आप क्या करेंगे, इसके प्रॉपर जो छेद है इसको आप मिला लेंगे। ये हमारा सेट हो गई है। अब इस मशीन को पहले हम लोग हीट करके देखेंगे कि ये मशीन गर्म हो रही है कि नहीं गर्म हो रही है। देखिए हमने इसको लगाया प्लग को, जैसे हमने पावर केबल को लगाया है तो देखिए, अगर आप देखेंगे मशीन के अंदर हीटिंग निकलना शुरू हो गई है। अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें हीटर एलिमेंट गर्म भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे वीडियो में दिखाई देना, ये गर्म हो रहा है तो मतलब हमारा हीटर सेट हो गया है और प्रॉपर तरीके से काम करने लगा। दिखाई दे रहा ना हीटिंग को? तो इसके अंदर हीटिंग निकलना चालू हो गई और हमारी मशीन ओके हो गई। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे जो एलिमेंट ख़राब हो जाता है उसको कैसे चेंज करेंगे। ये देखिए इसमें DW नाम से एलिमेंट आता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो हमारी जो मशीन है, इस मशीन के अंदर का हम लोग क्या कर सकते हैं, तरीका मैंने आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है कि एलिमेंट को चेंज करने का तरीका क्या है, कि किस तरीके से मोबाइल फोन में हम लोग एलिमेंट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि ये जो हमारी जो मशीन है, इस मशीन के माध्यम से आप रिपेयरिंग कैसे करेंगे या कितना टेम्परेचर कब रखना है, ये सारी चीज़ों के बारे में भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। सबसे पहली बात क्या है, जैसे ही आप 857 जब आप इस मशीन का यूज करेंगे तो इस मशीन का यूज करने के लिए अगर आप मोबाइल फोन के अंदर कोई भी कंपोनेंट को निकालना चाहते हैं तो कंपोनेंट निकालते समय आपका मशीन का जो टेम्परेचर है 380 से लेकर के 400 के बीच में आप सेट करेंगे। अगर आप कोई भी मोबाइल फोन के अंदर जैसे चार्जिंग जैक निकालना चाहते हैं तो चार्जिंग जैक निकालने के लिए या कोई भी जैक स्लॉट को भी निकालना चाहते हैं तो अभी भी आप सेम टेम्परेचर रखेंगे। यदि आप मशीन के माध्यम से किसी भी आईसी को रिवॉल्व करने वाले हैं तो रिवॉल्व करने के लिए आपको जो टेम्परेचर रखना पड़ेगा 365 से लेकर के 370 के अप्रॉक्स में आपको रखना पड़ेगा, 365 टेम्परेचर होना चाहिए जिससे आप आईसी को अच्छी तरीके से रिवॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद यदि आप किसी आईसी को मदरबोर्ड में आप लगाना चाहते हो तो आईसी को मदरबोर्ड में लगाने के लिए 380 से लेकर के 400 के बीच में टेम्परेचर को आप रखेंगे। यदि आईसी को बोर्ड में फिक्स करना चाहते हो, आईसी को बोर्ड में लगाना चाहते हो तो उसका टेम्परेचर आप 380 से लेकर के रखेंगे। अच्छा देखिए मशीन को यूज करने के लिए बड़ी मैं आपको बहुत अच्छी सावधानी बताता हूँ कि मशीन जब भी आप यूज करेंगे तो उसे खराब होने के सबसे 5 कारण मेन होते हैं। एक तो सबसे पहला कारण होता है कि मशीन आप ऑन करके ऑफ करना भूल जाते हो, या प्रॉपर तरीके से आप इसका जो हैंडल होता है ना, आप इसको प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल पे नहीं रखते, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि आपको ये नहीं पता होता कि किस चीज़ को निकालने के लिए कितना टेम्परेचर होना चाहिए और मशीन को फुल पे चला देते हो। दूसरी चीज़ क्या है, जब कोई छोटा पार्ट्स निकालते हो तो आपके दिमाग के अंदर ये हो जाता है कि यार वो उड़ रहा है, वो पार्ट्स निकल जाएगा तो मैं एयर को भी कुछ जीरो कर देता हूँ। अगर आप एयर को जीरो कर देते हैं तो जीरो करने के बाद भी आपके मोबाइल फ़ोन में परेशानी आती है कि आपका मोबाइल फ़ोन में तो ठीक हो जाता है लेकिन वो मशीन कहीं ना कहीं ख़राब हो जाती है, तीसरी बात। चौथी चीज़ क्या है, जब मशीन का आप यूज़ करते हैं तो अगर मशीन में हाई वोल्टेज आ जाता है तब भी मशीन हमारी ख़राब हो जाती है। पांचवी लास्ट प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी सारे टेक्नीशियन हैं वो अपने यहाँ पर इन्वर्टर सप्लाई को यूज़ करते हैं। अगर इन्वर्टर सप्लाई को यूज करते हैं, अगर इन्वर्टर सप्लाई में क्या होता है, जैसे लाइट जाती है इन्वर्टर पर मशीन हमारी चलने लगती है,
इन्वर्टर पे मशीन के एम्पियर के हाई हो जाते हैं। एम्पियर हाई होने के कारण से इसके अंदर जो हीटर एलिमेंट होता है वो हीटर एलिमेंट बहुत तेज गर्म होने लगता है। जब बहुत तेज गर्म होने लगता है तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि इससे एलिमेंट बर्न हो जाता है, पर एलिमेंट बर्न होने की वजह से आपकी मशीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ऐसी मशीन बार बार खराब हो जाती है, बार बार खराब होने लगती है, तो ये मशीन के अंदर जो एलिमेंट लगा होता है, इस एलिमेंट के पास में यहाँ पर टेफ्लॉन सीट लगी होती है, वो टेफ्लॉन सीट खराब हो जाती है। जब टेफ्लॉन सीट जल जाती है तो जो एलिमेंट होता है बार बार इस हैंडल के लोहे वाले सिरे से बार बार टकराने लगता है और बार बार आपका एलिमेंट मशीन शॉर्ट करती रहती है और धीरे धीरे करके पूरा हैंडल बेकार हो जाता है, क्योंकि मार्केट में टेफ्लॉन सीट नहीं आती। उस कंडीशन पर आपको पूरा हैंडल ही लेना पड़ेगा। अगर DW का हैंडल अगर आप ओरिजिनल हैंडल खरीदते हैं तो 1500 से लेकर 2000 के बीच में हैंडल आता है, और अगर आप एलिमेंट खरीदते हैं तो 450 रुपये का ओरिजिनल एलिमेंट आता है। तो इस तरीके से आज की दोस्तों मैंने आज की वीडियो में मैंने DW के बारे में बताया है कि DW को आप कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे उसके एलिमेंट को चेंज करेंगे या उसकी सावधानी क्या है, इन सब चीज़ के बारे में बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप अच्छे से देखें, या ऐसे संबंधित और भी टेक्निकली वीडियो हमारे चैनल पे हमारे डिस्क्रिप्शन पे पड़े हैं, जिनको आप वॉच करके अच्छी से बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर आप इस तरीके से संबंधित अगर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग संबंधित अगर आप पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर कानपुर स्टेशन के जस्ट पास में पड़ता है। यहाँ पर आ करके आप 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक का पूरा कंप्लीट ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इस महीने का भी नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जो लोग अगर इस महीने के बैच को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फर्स्टली कॉल करें और कॉल करने के बाद अपने सीट को रिजर्व करें और बैच के लिए अपना सिलेक्शन लें। तो वीडियो में इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।